गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझसे किसी ने पूछा था कि ये लव स्क्वायर और ये लव मेज मतलब इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि लव स्क्वायर का क्या मतलब है। एक्चुअल में जैसे आपने सुना होगा कि लव ट्राइंगल के बारे में, उसमें यह होता है कि 3 पर्सन होते हैं जो एक दूसरे मतलब कि 1 पर्सन जो पर्सन नंबर 1 है वो 2 से प्यार करता है, बट 2 जो है 3 से और 3 जो है 1 से, इसको लव ट्राइंगल बोलते हैं। और जो लव स्क्वायर है उसमें भी सेम ऐसे है कि 1 पर्सन नंबर 1 वो 2 से प्यार करता है, 2 3 से और 3 4 से, और वो जो 4 है वो 1 से। बट जो ये वाली स्टोरी है इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं आज ही सारे पार्ट्स अपलोड कर दूँगी तो आपको पता ही चल ही जाएगा, इस वजह से मैं अभी बता रही हूँ कि जो इसमें जो जिविन है वो प्यार करेगा तेंग से, और जंगकुक और तेंग यूंग एक स्पेस है वो मूव ऑन करेगा और तेंग से वो प्यार करेगा। बट जो तेंग है वो जेके और यूंगी से प्यार करेगा, बट जो यूंगी और जेके हैं वो जिमिन से प्यार करेंगे। तो ये एक तरह का ना लव स्क्वायर ये हो गया क्योंकि इसमें 4 पर्सन है तो ये लव स्क्वायर हो गया। और लव मीन्स मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इसमें एक तरह का लव मीन्स ही है कि जो जिससे प्यार करता है वो उससे नहीं उसके अगले पर्सन से प्यार करता है, तो इस वजह से मैंने इस एफ का नाम लव मीन्स रखा है। तो आपको समझ आ गई हो तो हम स्टडी कर देते हैं। तो फिर तेंग को आइडिया हो जाता है कि वो दोनों इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर वो भी कुछ नहीं कहता और फिर वो भी अपने लेक्चर पे ध्यान देने लगता है। और फिर इतना उनका फर्स्ट लेक्चर पीरियड गुजरता है और फिर वहाँ से टीचर चल जाते हैं, तो अचानक से ना जो तेंग होता है वो अपनी ना बुक्स को पैक कर रहा होता है क्योंकि अब उनको नेक्स्ट क्लास ले जाना था। तो वहीं पर ना जो उसके सामने फौरन जंगकुक और यूंगी आके खड़े हो जाते हैं। तो फिर ना जो तेंग है वो उनकी तरफ कन्फ्यूज फेस से देखते, कहते हैं यस अब दोनों को चाहिए, वो इस तरह बोलते। तो फिर कहते हैं एक और न्यूड, अब तो तुम्हारे साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा, वो इस तरह बोलते। और फिर ना जो उसकी फुल बॉडी वैसे देखने लगता है, तो फिर ना तेंग कहते हैं ये क्या कर रहा है दोनों। और यहाँ पर ना वो थोड़ा इस तरह का है, शर्मीला भी है, तो उसको ना थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो इस तरह ऑकवर्ड फील कर रहा था कि एक स्ट्रेंजर दो स्ट्रेंजर्स को आके ऐसे करें। तो वो कहते हैं ना बेबी बॉय तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे, तो ये बहुत। और फिर ना वहाँ से चले जाते हैं, तो फिर ना तेंग कन्फ्यूज होता है बट कुछ कहता नहीं। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट क्लास में भी चले जाते हैं, उसमें भी जो यूंगी और शुगा यूंगी और जेके दोनों अजीब सा बिहेव करते हैं और तेंग को ये काफ़ी ऑड लग रहा होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसके लंच टाइम का फिक्स सीन, जहाँ पे जो तेंग होता है वो लंच कर रहा होता है और जो तेंग चंकू खाता है पीछे से, और उसके जो वो फूड खा रहा होता है उसमें कोक गिरा देता है सारे और उसके ना कपड़ों पे भी, जिससे ना जो जो तेंग वो कहते कहते ये क्या किन्होंने वो इस तरह बोलते। तो फिर ना यूंगी कहते चिल्ला मत न्यूड यू बास तुम एक सिर्फ एक न्यूड तो और यहाँ के हम पुलिस है तो तुम्हें तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये बोलते हैं। उसके आगे ना थ्री को भी फेंकता है, तो फिर जंग तेंग कुछ बोलने वाला होता है तो जंग को कहते हैं ये हमारा होमवर्क है, तुम्हें ये करके आना है और अगर तुम ना करके आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बोलते हैं। फिर ना वहाँ से जलने लग गया, तो फिर ना तेंग कहता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं कोई तुम लोगों का स्लेव ही हूँ, ये बोलता है। तो फिर ना यूंगी उसकी तरफ मुड़ता है, उसको एक डेथ क्लियर करते हैं, कहते क्या खत्म है। तो फिर ना तेंग जो होता है अपने आप को ना कंपोज करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना जो यूंगी होते हैं वो उसकी जॉ को टाइटली पकड़ लेते हैं, और ना जो तेंग होता है वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है बट वो छुड़ा नहीं पाता क्योंकि यूंगी और यूंगी और जेके हैं वो दोनों उससे ज़्यादा पावरफुल हैं एज वो टॉप जो है। तो अच्छा तो वो करते हैं, तो फिर ना जो तेंग है वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है बट नहीं छुड़ा पाता और उसके आइज में टीयर्स आ जाते हैं। तो फिर ना जो जंग को बोलता है वो फिर ना उसको पीछे धक्का देते थे, तेंग को पीछे धक्का देते थे जिससे वो नीचे गिर जाता है। और फिर ना पूरी पूरा कॉलेज जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे ना तेंग पे हंसने लगते हैं, और फिर जो तेंग है वो अपना बैग उठाते हैं और वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। तो ना सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं, और फिर ना जंगकुक और यूंगी वहाँ एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा गाइस अब हम तेंग जंगकुक और यूंगी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2 ईयर्स गुजर चुके थे और उन दोनों ने उसको ढूंढने की कोशिश की थी जिमिन को, बट वो ढूंढ नहीं पाए थे और अभी तक वो उनसे ही प्यार करते हैं। और उन्होंने किसी को अपने उन्होंने किसी को भी अपने उसमें दिल में जगह नहीं दी किसी और के लिए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ना वो अपने कॉलेज के बुलीज हैं क्योंकि
बस कहते हैं ना, कई दफा हो जाते हैं उनको डाउट, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफी पावरफुल हैं, और वो इस कॉलेज को भी ऑन करते हैं, और उनको पता नहीं क्यों, बट स्टार्टिंग से ही न्यूड्स नहीं पसंद, जिसकी वजह से वो हर एक न्यूड स्टूडेंट को बुली करते हैं। और बट फर्स्ट टाइम सब शौक थे, क्योंकि वो किसी को भी फिजिकली नहीं हार्म करते थे। यहाँ पे जो जंकुक और योंगी था, उन दोनों ने उसको उसकी जॉब पर टाइटली पकड़ा था टैंक की, और उसको अपने फ्लोर पे पुश भी किया था। वो सिर्फ उसको बातें सुनाते, थोड़ा इंसल्ट करते और उसको अपना होमवर्क करवाते थे, बट उन्होंने फिजिकली हार्म किसी को नहीं किया था। बट ये फर्स्ट टाइम था, तो कुछ स्टूडेंट शौक भी थे, बट उनको कुछ को मज़ा भी आ रहा था, और वो इस व्यू को इंजॉय कर रहे थे। और हम देखते हैं टैंक का सीन, जो कि ना रो रहा होता है, और फिर ना उसके बाद फिर अपना फेस वॉश करता है, और फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर के लिए चला जाता है, और इस तरह 1 वीक का टाइम स्किप हो जाता है। और जहाँ पे ना टैंक ये ना बॉडी पे कई जगह ना कुछ कुछ मार्क्स आ भी गए थे, क्योंकि वो दोनों उसको ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी कर रहे थे। और इधर जो जिमी था, वो रोज़ाना टैंक को फ़ोन करना नहीं भूलता था, उससे हमेशा उसके बाद है उसके दिन में बारे में पूछता, तो फिर ना टैंक सब कुछ बताता, बस जेके और योंगी के बारे में नहीं बताता। तो फिर ना एक दिन ना वो उसकी कॉल आती है, तो फिर ना उसकी वॉइस से ना जमीन को आइडिया हो जाती है कि जो टैंक है वो ठीक नहीं है। तो फिर ना वो 1 वीक बाद का सीन ही हम देख रहे, तो ना टैंक बोलते कि कुछ नहीं हुआ जमीनी, तो वो कहते मुझे बताओ टैंक, तुम्हें पता है ना तुम मुझे कुछ नहीं छुपा सकते। तो फिर ना टैंक एक गहरी सांस लेते हैं और फिर सब कुछ बता देते हैं, और फिर ना वो जंगो को योंगी का नाम लेता है, जेके और शुगर, जिसे ना योंगी को नहीं पता, जमीन को नहीं पता चलता कि वो दोनों कौन है। तो फिर कहते हैं ना ये तुम्हें बुली करते हैं, तो फिर ना टैंक कहता हाँ मुझे फिजिकली बुली करते, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे बॉडी पर मार्क्स भी आ गए, वो इस तरह बोलते। तो फिर ना उसकी आईज से ना टेयर्स फॉल होने लगते, तो फिर ना जिमिन कहते हैं तुम रो ना, मैं तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूँ। तो फिर कहते क्या मतलब, कहते ना मैंने अपने वो दे दिया, मैं अपने ना लेटर लिख के दे दिया था, मैंने अपने कॉलेज अथॉरिटी का जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर मैं कुछ दिनों में यहाँ वापस आ रहा हूँ, कोरिया आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ स्टडी करूँगा, और मैं देखता हूँ अब तुम्हें कौन हार्म करता है। वो इस तरह बोलते, और फिर कहते हैं ना जब तक मैं नहीं आ जाता, मैं जो 2 to 3 days लग जाएंगे, तो तुम कॉलेज ना जाओ। तो फिर कहते हैं ना बट, तो फिर कहते हैं ना मैं कवर अप कर लूँगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मैंने सारे कोर्स बनाए हुए हैं, नोट्स कोर्स के लिए नोट्स बनाए हुए, तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो उसकी तुम फिक्र ना करो। तो फिर ना थैंक यू, थैंक यू सो मच जिमनी, और इस तरह बोलते, और फिर कहते हैं तुम रेस्ट करो, पेन किलर्स खाओ, और अच्छे से नींद पूरी करो, क्योंकि जब मैं आना जाओ आऊँ तो तुम मुझे वैसे वैसे ब्यूटीफुल लगो जैसे तुम पहले थे। तो फिर ना तेंग का फेस रेड हो जाते, कहते हैं शेमलेस। तो फिर जिमिन बोलते हैं मैंने क्या शेमलेस वाली बात की, मैंने तो सच बोला, इस तरह बोलते। और फिर ना जिमिन ना टैंक का मूड लाइट अप करता है, और फिर ना जिससे जो टैंक होता है वो भी खुश हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ना जिमिन का सीन कि ना वो कहता है कि ना तुम कौन हो तुम दोनों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे मेरे लव के साथ ये करने की। वो इस तरह बोलते, उसका ना फेस डार्क हुआ होता है। तो अब हम देखते हैं 3 days बाद का सीन, जहाँ पे जो टैंक होता है वो नहीं गया था कॉलेज, और जहाँ पे जो जंगकुक और जो जूंगी होते हैं वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था कि टैंक आए या ना आए, क्योंकि उनके पास और भी काफ़ी सारे इस तरह की इंजॉयमेंट्स थी जो वो करते रहते थे, वो टैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे।